हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं और मेडिकल से पढ़ रहे हैं तो आपका पहला सपना जरूर डॉक्टर बनने का होगा, और वो भी एक अच्छे मेडिकल कॉलेज से जैसे एम्स से एमबीबीएस करने का होगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर बनने के लिए हमें कौन सा टेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि नीट की पूरी डिटेल से बात करेंगे। वह नीट के स्कोर के आधार पर आप एमबीबीएस के अलावा और कौन कौन से कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं ये भी जानेंगे। तो आपका सपना यदि डॉक्टर बनने का है तो ये बहुत जरूरी है कि आपको सही समय पर सही जानकारी मिल सके। तो इस वीडियो के माध्यम से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि नीट क्या होता है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, पेपर पैटर्न क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आइए पहले जानते हैं नीट क्या होता है। ये तो आपको पता ही है, डॉक्टर बनने के लिए आपको MBBS, BDS, BMS, BHMS, BSMS, BUMS इस तरह के कोर्स करने होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए आपको एक एग्जाम देना होता है जिसका नाम है नीट, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसके स्कोर के आधार पर ही आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए नेशनल लेवल पर लिया जाने वाला एंट्रेंस एग्जाम है नीट, जिसे NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है। पहले इसकी जगह पर AIPMT होता था, साथ में एम्स का अलग होता था। वो बहुत से स्टेट लेवल के टेस्ट होते थे जिनमें स्टेट के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होते थे, लेकिन अब इन सब की जगह नीट होता है और एम्स में भी इसी के तहत एडमिशन होता है। नीट का एग्जाम साल में एक बार होता है, हो सकता है भविष्य में आगे JEE की तरह दो बार होना शुरू हो जाए। हर साल करीब 16-17 लाख बच्चे नीट का एग्जाम अपीयर करते हैं। गवर्नमेंट सीट लेने के लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी होती है और अच्छी प्लानिंग से तैयारी करनी होती है। अब बात करते हैं नीट के आधार पर आप कौन कौन से कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। नीट के स्कोर के आधार पर आप MBBS यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, BDS यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी में ही नहीं बल्कि और भी बहुत से कोर्स हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, जैसे BMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BSMS यानी कि बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी, BUMS यानी कि बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, BHMS यानी बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BNYS यानी कि बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, BPT यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, BMLT यानी कि बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, BVSC यानी कि बैचलर इन वेटरनरी साइंस, BSc नर्सिंग यानी कि बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, और BPharma यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी, इन सभी में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं नीट कौन दे सकता है, यानी कि नीट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो जो स्टूडेंट्स 11th या 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या बायोटेक्नोलॉजी से करने वाले हैं या फिर इन सब्जेक्ट से 12th कर चुके हैं और इन सब्जेक्ट्स में मिनिमम 50% जनरल कैटेगरी के लिए और 40% OBC, SC, ST व PWD के लिए 45% स्कोर किया है, साथ में मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट वैसे 25 साल है, लेकिन कोर्ट में केस विचारणीय होने के कारण अभी 25 से ऊपर वाले भी एग्जाम दे सकते हैं और कितनी भी बार इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब बात की जाए कि नीट क्रैक करने से आपको कहां कहां एडमिशन मिलेगा। नीट के स्कोर के आधार पर आप एम्स, जिपमर, SIC एंड FMC, DU, BHU, AMU के साथ साथ सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, स्टेट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, इन सभी में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं नीट का पेपर पैटर्न कैसा होता है। नीट का एग्जाम इंग्लिश हिंदी के साथ साथ उर्दू, बंगाली, उड़िया, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, गुजराती और आसामी यानी कि टोटल 11 भाषाओं में होता है। नीट का एग्जाम ऑफलाइन मोड यानी कि पेपर पेन बेस्ड होता है, जिसकी ड्यूरेशन 3 घंटे की होती है। नीट में फिजिक्स व केमिस्ट्री से 45 क्वेश्चन व बायोलॉजी से जूलॉजी और बॉटनी के मिलाकर 90 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 180 क्वेश्चन होते हैं। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का यानी कि टोटल एग्जाम 720 मार्क्स का होता है। साथ में नेगेटिव मार्किंग भी होती है।
हर रॉन्ग आंसर का आपका एक नंबर माइनस हो जाता है। नीट का एग्जाम सिलेबस एनसीईआरटी बेस होता है। गवर्नमेंट सीट के लिए आपको कम से कम 600 का स्कोर करना होता है यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और साथ में एम्स की मेडिकल सीट के लिए आपको करीब 680 के आसपास का स्कोर करना पड़ेगा यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं नीट के लिए कैसे अप्लाई करें, वह एग्जाम फी क्या है। नीट के लिए आप एनटीए साइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और एनटीए की साइट का लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अब बात करते हैं एग्जाम फी क्या होती है। जनरल कैटेगरी के लिए ₹1500, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के लिए ₹1400, वह एससी एसटी और ट्रांसजेंडर के लिए ₹800 है। एनटीए की साइट से आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये थी नीट की पूरी जानकारी। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी और आपके काफ़ी काम आएगी। इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्यूरी आपके दिमाग में हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी उस बारे में भी कमेंट करना ना भूलिएगा। और यदि ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।